माय YouTube फ्रेंड्स, तो आपका मेरे चैनल व्हाइट टेक में स्वागत है। प्लीज गाइस, इस वीडियो को आप फुल देख रहे हैं, तो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा इसके कंपेयर करूंगा दो स्मार्टफोन, और आपको ये बताना है कि दो स्मार्टफोन में आपको फर्स्ट वाला लगा या सेकंड वाला लगा। तो प्लीज गाइस, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो फर्स्ट फोन आपको बताऊंगा कि IQ का 7 प्रो हो सकता है, और एक और स्मार्टफोन है वो कौन सा है। तो प्लीज गाइस, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। मेरे चैनल का नाम है व्हाइट टेक। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो, तो नए यूजर हो, तो प्लीज गाइस इस वीडियो को आप लास्ट तक देख कर जाना, क्योंकि आपको मैं इसमें फुल डिटेल में बताऊंगा, इसके कंपेयर करके बताऊंगा कि आपको कौन सा फीचर्स इन स्मार्टफोन में कौन सा बेस्ट लगा, एक स्मार्टफोन का लगा कि सेकंड स्मार्टफोन का लगा, तो वो कौन सा स्मार्टफोन है। कंपेयर किया अगर हम बात करें, तो आपको दो स्मार्टफोन, तो फर्स्ट है IQOO का न्यू 7 प्रो, ये फर्स्ट स्मार्टफोन है, और जो सेकंड फोन है वन प्लस का 11R, तो ये दो स्मार्टफोन है। तो ये दो कंपनी की अगर हम बात करें, तो आपको कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट लगा पहले मुझे वो कमेंट में करके बताओ। और अगर हम करें इनके सबसे पहले डिस्प्ले की, तो IQOO का न्यू 7 प्रो और वन प्लस का 11R, तो फर्स्ट है 6.7 इंच की फुल HD AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी गाइज। ये है IQOO का न्यू 7, जो वन प्लस का है वो 6.7, और आपको ये डिस्प्ले में देखने को मिले, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है कि मैं कौन सा स्मार्टफोन कौन सा बोल रहा हूं, तो आप ये डिस्प्ले में देख सकते हो, आपको फुल डिटेल में साइड में आपको देखने को मिलेगा इसके क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेगा, कैसा होगा स्मार्टफोन, और इसकी डिटेल में कुछ मिसिंग रह गया हो तो प्लीज गाइस मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो इसमें अगर हम बात करें, वन प्लस का 6.74 का फुल HD AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी गाइस। इसमें थोड़ा सा स्क्रीन की अगर हम बात करें, तो आपको IQOO न्यू का जो स्क्रीन साइज है 6.78 थोड़ी सी मुझे बड़ी लगी, और जो वन प्लस की 11R उसकी थोड़ी सी कम लगी, 6.74 आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इसकी करें रिफ्रेश रेट की, दोनों का रिफ्रेश रेट तो सेम है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दोनों की सेम आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इसकी प्रोसेसर की, तो अगर हम स्नैपड्रैगन का 8 Gen 1, उसमें भी आपको जो वन प्लस 11R का है उसका भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा। अगर हम रैम की बात करें, तो आपको 12GB रैम के साथ 256 की स्टोरेज भी आपको न्यू में IQOO 7 न्यू में देखने को मिलेगी, बट जो वन प्लस की 11R है तो आपको 16GB 256 की स्टोरेज देखने को, जिसमें थोड़ी सी अपग्रेड लगी गाइस उन्होंने वन प्लस 11R की, तो थोड़ा सा इसमें जो IQOO में इन्होंने 12GB दी है और उसमें 16GB आपको देखने को, 4GB एक्स्ट्रा आपको वन प्लस 11R में देखने को मिलेगी। अब बात करें इसकी OS की, इसमें एंड्रॉइड का आपको 13 देखने को मिलेगा, तो उसमें आपको सेम ही देखने को मिलेगा 13 जो लेटेस्ट चल रहा है। अब बात करते हैं इसके कैमरा फीचर्स की, तो अगर हम कैमरा रियर कैमरा की बात करें, तो आपको ये ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा। जो फर्स्ट कैमरा होगा 50MP आपको देखने को मिलेगा IQOO न्यू 7 प्रो का, 8MP और UV+2MP आपको माइक्रो कैमरा भी गाइस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं वन प्लस की, इसमें आपको वन प्लस में 50MP 8MP 2MP माइक्रो कैमरा भी आपको सेम देखने को मिलेगी, इसमें आपको देखने को मिलेगी। फ्रंट कैमरा की अगर बात करें, तो आपको 16MP का फ्रंट कैमरा दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेंगे, न्यू में भी और वन प्लस में आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की गाइस, बैटरी की अगर हम बात करें, सीधे हम करेंगे इसके फास्ट चार्जर की बात करेंगे, इसका फास्ट चार्जर क्या रहने वाला है। अगर हम बैटरी की बात करें, तो 5000mAh बैटरी की आपको देखने को मिलेगी, और दोनों की सेम आपको देखने को मिलेगी। अब बात करें इसकी फास्ट चार्जर कौन सा देखने को मिलेगा, कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन है इसमें आपको फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। जो IQOO का न्यू 7 प्रो है, इसमें आपको 120W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, और जो वन प्लस 11R का, इसमें आपको 100W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। तो आपको फास्ट की अगर हम बात करें, तो आप IQOO 11 मान लिए बारी, तो आपको ये 120Hz का इसमें आपको फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। अब बात करें इसके डेसिमेशन की, इसका मतलब कितनी एमएम होगा, 8.58 इसमें आपको देखने को मिलेगा। और इसका अगर हम वेट की अगर हम बात करें, तो IQOO का जो 199g का आपको देखने को मिलेगा, IQOO 7 न्यू देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं वन प्लस की 11R की, तो इसमें आपको 8.7mm की डेसिमेशन देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें वेट के मुकाबले, तो आपको 204g इसमें देखने, थोड़ा सा हाई, थोड़ा सा माइक्रो सा देखो, आपको इसमें 199 और 204
4 आपको देखने को मिलेगा। अगर हम डिजाइन की आपको बात करें तो आपको वन प्लस के और आईक्यू प्रो में प्रीमियम ऑफरिंग बिल्ड क्वालिटी स्पीकर इटसेल्फ आपको देखने को मिलेगी दोनों स्मार्टफोन में, और बोथ मॉडल टू टू सेंटर पोजिशन टू पंच होल कट आउट टू सेल्फी शूटर एंड बेजल आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इसमें एलईडी फ्लैश आपको दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। अगर हम आते हैं वॉल्यूम पावर बटन भी आपको राइट साइड आईक्यू 7 प्रो में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो आपने मैंने डिस्प्ले बता दी कि वन आईक्यू 7 प्रो और वन प्लस आर की डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो आईक्यू में आपको 7 प्रो में 6.7 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसमें आपको एचडीआर की 10+120 हर्ट्ज की फ्रेश रेट और 2360 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट और 120 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। फीचर्स वन प्लस में 11.6.7 इंच की डिस्प्ले फुल एचडी एमएलईडी भी देखने को मिलेगी, 120 हर्ट्ज की फ्रेश रेट और अप टू 150 नाइट्स ब्राइटनेस देखने को मिलेगी और 100% कलर्स और 440 हर्ट्ज की हाई फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब बात करें परफॉर्मेंस की, अगर मैंने आपको परफॉर्मेंस इसकी बता दी है, अगर हम करें इसके कैमरे में आपको बता दिया और अगर हम सीधे करें इसके वाईफाई फीचर्स, जो इसमें फीचर्स दिए हुए हैं, इसमें आपको आईक्यू 7 में वन प्लस में आपको 5G देखने को मिलेगा, 4G वर्ल्ड आपको देखने को, और इसमें ब्लूटूथ के 5.2 देखने को मिलेगा एज वेल सेम आपको देखने को मिलेगा। और गाइस मुझे कमेंट में ये बताना कि आपको दोनों स्मार्टफोन में कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन लगा, और आईक्यू 7 न्यू 7 प्रो या वन प्लस का 11R में आपको बेस्ट कौन सा लगा। इसकी हम रिफ्रेश रेट की अगर मैंने बात की, इसकी बैटरी की बात करी, इसकी स्नैपड्रैगन की बात की, इसके कैमरा की बात की और इसके हम बात करें इसकी वेट की बात की, तो आपको कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट लगा और आप जो स्मार्टफोन यूज करती है तो आपको चलाने में सबसे बेस्ट फोन कौन सा लगा, आईक्यू का 7 प्रो न्यू या वन प्लस का 11R। तो इसके हम मेन इसकी करेंगे जो फास्ट चार्जर है, तो आपको न्यू में आपको 120 वाट का फास्ट चार्ज देखने को मिलेगा और जो वन प्लस आर में आपको 100 वाट का फास्ट चार्ज देगा। सेम बैटरी तो होगी, तो उसमें जो चार्जिंग की अगर हम बात करें फास्ट थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज मुझे कमेंट में व्यू बताना और आपको चाहिए वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में प्लीज गाइज बताते जाना, और कुछ मिसिंग रह गया हो तो प्लीज अगर आपको कुछ हो, अगर हम इसकी करें प्राइस की बात, सॉरी गाइज मैं भूल गया, प्राइस की अगर हम कंपेयर की बात करें तो अदर हैंड टू वन प्लस जो 11R है मतलब की 14,000 के अराउंड, गाइज रूमर में क्या होता है इतना हो सकता है 14,000 के अराउंड वन प्लस का 11 आपको 8GB रैम प्लस 120 AD वर्जन आपको देखने को मिलेगा 14,000 के अराउंड, प्लस माइनस भी हो सकता है गाइस, मैं इसका श्योर नहीं कि 14,000 है। अगर हम बात करें इसकी 16GB 256 तो आपको 45,000 के अराउंड आपको वन प्लस 11R देखने को मिलेगा। ये बात होगी वन प्लस की। अगर हम बात करें आईक्यू न्यू 7 प्रो की तो आपको 35,000 का 8GB रैम के साथ 120GB इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो प्राइस के कंपेयर में तो आईक्यू न्यू 7 तो प्रो में एक में तो बाजी मार ली, जिसमें आपको 35,000 के अराउंड आपको 8GB और 128 देखने को मिलेगी, उसमें आपको 16GB था। अब बात करें इसके नेक्स्ट मॉडल की, वो है 12GB तो 256 की अगर हम बात करें वर्जन की आपको 38 अराउंड देखने को मिलेगा, और उसमें गाइस आपको 12GB और उसमें 16GB, तो फिर भी गाइस कंपेयर के बस वो है 38 वो है 45 देखने को मिलेगा। तो अवेलेबल ये सब आपको देखने को मिलेंगे। इसकी स्नैपड्रैगन सेम है, इसका रिफ्रेश सेम है, इसकी बैटरी भी सेम है, इसके चार्जिंग जो फास्ट चार्ज है वो कंपेयर में थोड़ी गड़बड़ लगी। तो आपको कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, वन प्लस 11R या आईक्यू न्यू 7 प्रो। प्लीज गाइस जल्द से मेरे यूट्यूब चैनल व्हाइट टेक को सब्सक्राइब कर दो एंड साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। मैं आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी वो भी कंपेयर लेकर आऊंगा। कौन सा आपको कौन सी वीडियो चाहिए कंपेयर में गाइस मुझे कमेंट में यूटर, मैं आपको वो वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूँ गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो। प्लीज गाइस सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय गाइस।